वाली सी कहती है वो दूर कहीं पता पता मालूम नहीं कोको कोरीना शहरयार भाई कहाँ हैं आप? आ रहा हूँ यहीं हूँ। हाँ वहीं तो हो तुम, उसी के पास, उसी के साथ। काश कि इतने सालों में जब जब मैंने तुम्हें पुकारा तुम्हें मेरी कोई आवाज तो सुनाई दी होती, मेरी किसी सदा पे तो तुमने कहा होता हाँ मां पारा आ रहा हूं यही तो हूं तुम्हारे पास। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी कोई सदा सुनाई नहीं दी। देखा है क्या? आ रहा हूं। ये देखिए फूफो कितने प्यारे हैं ना ये। तुम्हें पसंद है बनवा दो। सच में? ताई अम्मी तुम्हें जरूर बनवा देंगी किसी खास मौके। साद घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, सारा दिन उड़े उड़े फिरते हो। मचाले जो कभी आके पूछ लो कि कोई काम तो नहीं है। जी कोई काम है आपको? जी बिल्कुल है, आपने अपने डैडी के साथ सालार के घर जाना है। किस खुशी में? बेटा उसका नाप लेने के लिए। किस चीज का नाप? चूड़ियों का। बेटा ये हमारे घर की रस्म है, दूल्हे की शेरवानी का नाप लेने के लिए घर के सारे मर्द जाते हैं। तुम भी चले जाना। मैं नहीं जा रहा कोई नाप शाप लेने, इस सड़ी हुई बेकार रस्मों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। अंदाजे से नाप ले लें आप, एक्स्ट्रा लार्ज साइज। ओहो आंटी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं चला जाऊंगा ना अंकल के साथ, बल्कि और भी कोई काम है तो अभी बता दें। शाबाश ये हुई ना बात। और वैसे भी आंटी साद अकलौता भाई थोड़ी है हानि आप ही का, मैं भी तो हूँ। जी तेरा क्यों, इसे क्या हुआ? छोड़ो सलमा ये सेट वहाँ रख लो, देखो सारे डब्बे पूरे हैं ना, ये दो है ना, चलो ये फिर सारा सामान इकट्ठा रख दो। अच्छा हुआ तुम अभी तक गए नहीं, जहाँ इतनी देर हो गई है बेटा ऑफिस से, थोड़ी देर और रुक जाना क्योंकि उम्मे हानी के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारी शेरवानी का नाप लेने के लिए। ये रस्म है बेटा। जानता हूँ इसीलिए रुक गया हूँ। शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं समझ रही थी कि क्या बहाना करूँगी तुम्हारे ना होने का, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम्हें रस्में ना पसंद है। ना पसंद है, नफरत है, उनकी मुरव्वत की वजह से नहीं रुका हूँ, एहतियातन रुका हूँ कि कहीं आप कोई फजूल बात ना करते।
शोल्डर 18। शोल्डर बाजू आगे कीजिए सलार साहब। अरे ये सालार साहब क्या होता है, सालार भाई कहो। बाजू 21। ये भी तो आपको अंकल कहने के बजाय रिजवान सर कहते हैं। जाहिर है यार, ये इतने छोटे थोड़ी हैं रिजवान अंकल से कि इन्हें अंकल या ताया जान वगैरह कहें। अरे बेटा, ये तो एहतरामन मुझे सर कहते हैं, तुम इन्हें सालार भाई कहा करो, बल्कि दूल्हा भाई कहो। दूल्हा भाई, अभी दूल्हे बने कहाँ हैं, जब बनेंगे तब की बात है। कजन का साइज देखें। साढ़े सोलह हो गया। आई मैं बाहर छोड़ देता हूँ। क्या बदतमीजी है साहब, किस लहजे से तुम बात कर रहे थे सालार के साथ और उसे घूर क्यों रहे थे? अगर वो बुरा मान जाता तो क्या राज हो जाते, तो हो जाते। खबरदार, अगर तुमने अब कोई बदतमीजी की उनके साथ, सुन लिया तुमने, मलाई। आओ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था बेटा कि इन पेपर्स पे तुमने साइन करने, सोच समझ लिया ना तुमने कि अपना पैसा अपनी जायदाद तुम ट्रस्ट को डोनेट कर रही हो, किसी दबाव में नहीं हो। नहीं ताया जान, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही, सलार के कहने पे ही कर रही हूँ। मगर अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने अनजाने में मुझसे वो फैसला करवा लिया जिससे मेरी आखिरत और दुनिया दोनों संवर सकती है। कैसी बातें कर रही हैं आप, ये मेरा भी तो घर है ना, मैं क्या मेहमान हूँ? अरे नहीं, मगर फिर भी अनिला, जिस तरह से तुमने मेरी हेल्प किया ना, तुम ना होती तो मैं तो परेशान होकर रह गई थी। और पुप्पो, मेरी हेल्प कौन करेगा? अरे क्या हुआ मेरी जान, मुझे मेहंदी पे डांस करना है और मेरा कोई पार्टनर नहीं है अभी तक। ओहो, लो भाई अब ये नए रिवाज होंगे इस हवेली में। अब बच्चियां रौनक नहीं लगाएंगी तो क्या बूढ़ियां नाचेंगी गाएंगी महपारा आपा? अरे वाह, अरे भाई मुझे किस हिसाब से आपा कह रही हो, अपनी उम्र देखो, जवान बेटी की माँ हो और मुझे मुंह भर के तुमने आपा बोल दिया, और तो और अपने साथ साथ मुझे भी बुढ़ी बना दिया। क्या हो गया महपारा तुम्हें, अनिला की तो आदत है हंसी मजाक करने की। अच्छा छोड़ो भाईजान, कोई गाने बजाने का प्रोग्राम भी रखा है या नहीं? ये बेटी की शादी है, जब बेटे की शादी होगी तो कर लेना रौनक मेला। भाईजान साथ अभी बच्चा है, उसकी शादी के वक्त हमारी उम्र कहाँ रहेगी रौनक मेले की। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ो, बबली से मिलने जा रहे हो? उस बबली को तो ना जान से मार दूंगा मैं किसी दिन। अच्छा, मुझे तो लगता है खुद मरते हो उस पे। और मुझे लगता है कि सलार एक बहुत बदतहजीब और छिछोरा इंसान है, उसकी कंपनी में रह रहे ना वैसी हो गई हो तुम। भाईजान प्लीज, कुछ हमारी तफरी तबा का इंतजाम तो करें। तुम्हारी रंगीन मिजाजी ना गए, दादा जान से इजाजत ले लो। भाईजान उन्हीं के जमाने से चला रहा है सब कुछ, सुना है पता नहीं कहां कहां से आती थी। अरे जहां से भी आया करती थी, लेकिन मैंने कहा ना कि बेटी की शादी है, फिर भी तुम दादा जान से बात करके देखो, फिर कर लेते हैं कुछ। ठीक। अजीब बात, मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने आई हूँ यहाँ और तुम बदतमीजी कर रहे हो। लड़ना तो मुझे चाहिए साज, पता चल गया मुझे तुम सलार के घर गए थे और बदतमीजी करके आए हो। हाँ तो करके आया हूँ। शर्म करो, बड़े हैं वो तुमसे। शर्म मुझसे नहीं, तुमसे भी खासे बड़े हैं। बढ़िया है।
तुम बात करो, मुझे आगे क्यों कर? चला चल। ये इशारेबाजी और मस्केबाजी की वजह जान सकता हूँ? दादाजी आपसे इजाजत चाहिए। खुशी की बात है दादाजी, इतने अरसे बाद कोई हलचल, कोई हंगामा होना चाहिए इस घर में। हाँ तो कौन मना कर रहा है तुम्हें हंगामा और हलचल करने से? भाई उम्मे हानि की शादी है, इस शान और शौकत से हो कि लोग देखकर अपनी उंगलियां चबा डालें। बिल्कुल यही सोचा है हमने, और ये सोच रहे हैं कि कुछ सर नया, कुछ अलग से हो। अलग तो दादा को मार दो, उधर बच्ची की रुख्सती, इधर कुल बिल्कुल नवी गल हो जाएगी। दादाजी आप बदचुगुनी की बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। दादाजी मतलब ये था कि कोई शुगल मेला, कोई नाच गाना। दादाजी कोई मेरासन वगैरह बुला लो। दादाजी अपनी दफा पता नहीं कहाँ कहाँ से बुलवाया करते थे, और हमारी दफा सिर्फ मरासने। दादाजी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। सुना है कि आपके जमाने में मेहंदी वाले रात मर्दाने में अलग महफिलें सजा करती थी। तो सीधी तरह क्यों नहीं कहता कि मुजरे करवाने हैं? जी 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 लाहौल वाला बड़े दादाजी, आप ये सब कुछ होने देंगे? तौबा तौबा, ये सब गलत हरकतें हैं। अबे क्या गलत हरकतें, क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? सादगी से शादी करवा दें, छुआरों और शरबत पे मस्जिद में निकाह पढ़वा दें। अरे लोग क्या कहेंगे? यार कमिश्नर आ रहा है बारात लेकर, छुआरे और शरबत पर लोगों को एतराज नहीं होगा क्या? देख लीजिए बड़े दादाजी कैसी बातें कर रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो ये शादी सिर्फ शोशा और जहेज के लिए करना चाहते हैं। भला ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना ठीक है? अरे इस वक्त क्या बदमजगी फैला रहे हो तुम? तुम बिला वजह मेरे पोते को क्यों डांट रहे हो? सही कह रहा है, शादी हमेशा इंतहाई सादगी से होनी चाहिए, ये मेरी भी वसीयत है। वसीयत? ये बात हुई ना बड़े दादाजी। मगर साहब, और शादी अब भी इंतहाई सादगी से होगी। मेरे पोते साद की। बड़े दादा मेरी? हाँ, और तुम लोग जो गंध डालना चाहते हो तो करवाओ मुजरे। थैंक यू दादाजी, बहुत शुक्रिया आपका। जाओ। अरे दादाजी Ha ha ha!
शक्ल देखने वाली थी उसकी। लगता है उसे अंदाजा हो गया ताई माँ उसकी और बबली के बारे में क्या सोच रही। भागता है उसे वो। और भागकर कहाँ जाता है? मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने आई हूँ यहाँ और तुम बदतमीजी कर रहे हो। लड़ना तो मुझे चाहिए साथ। पता चल गया मुझे तुम सलाद के घर गए थे और बदतमीजी करके आ रहे हो। मैं सोच रही थी साथ दूल्हा बन के पता नहीं कैसा लगेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने होने वाले दूल्हा के बारे में सोचना चाहिए? हाँ, मगर साथ साथ के अलावा और कोई मौसम नहीं है बात करने के लिए। बातें भी करते हो तो जली कटी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम खुश क्यों नहीं हो? कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारा तो पता नहीं मगर तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों से मैं पागल हो जाऊंगी। तुम बुरे नहीं थे, अब भी बुरे नहीं हो, बुरी बुरी बातें करने लग गए। अजीब बात है सलार, मैं नहीं बताती तो आप गिला करते, बता दूं तो आप नाराज हो जाते। क्या शादी के बाद भी मुझे ऐसे ही डांटा करेंगे? हाँ शायद। तो आप मजाक भी कर लेते हैं? नहीं, सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच। दो दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह से सोच लो। प्लीज ऐसी बातें ना किया करें, मुझे घबराहट होती है। अभी से? और जब घबराहट जो है वो हद से बढ़ती है तो क्या करती हो? जी, रो देती हो। सलार बस करें ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तुम्हारे लिए ये दोनों है, लव भी और वॉर भी। क्यों डरा रहे हैं मुझे? ये कैसा मजाक है? प्लीज ऐसे मजाक ना किया करें। जी साद। हनी, मैंने तुमसे कुछ कहना है। इस वक्त इतना लेट हो गया? हाँ इस वक्त, और देर नहीं हुई, लेकिन अगर मैंने ना कहा तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा क्या कहना है? तुम ये शादी क्यों कर रही हो हानी? क्यों, किस लिए? साथ? हानी ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं मिला हूँ सलार से, उम्र में भी बहुत बड़ा है तुमसे, बहुत सड़ियल है, खड़ूस, हंसता भी नहीं है। मुझे हंसते हुए मर्द पसंद नहीं है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? यही कि तुम्हें साथ, तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरा मसला यह है कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो? तुम्हें शादी के बारे में सोचते हुए मेरा ख्याल नहीं आया आने मेरी मोहब्बत का? तुमने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे सह पाऊंगा, मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर? मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और चाहती हो ना मुझे? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साथ, मगर मैं यहां नहीं रुक सकती।
अच्छी हूं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो साद, जो समझ ना सको। और तुम भी इतनी छोटी बच्ची नहीं आनी जो ये ना समझ सको कि कैसे रह सकती। अभी भी नहीं समझी तो हनी प्लीज इस शादी से इनकार कर दो, वो शख्स तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं। तुम जल्दबाजी में ये फैसला करियो, तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं, ये वहम है तुम्हारा, प्लीज इस शादी से इनकार कर दो। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों नहीं समझ रही कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? तुम क्यों नहीं समझती? मैं जानती हूं साद, मैं जानती हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं, घर से दूर जाओ। अगर यकीन करो सलार के मेरी जिंदगी में आ जाने से तुम वही रहोगे, तुम्हारी हैसियत नहीं बदल सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे बचपन के साथी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसको नापसंद क्यों करते हो, क्योंकि क्योंकि वो तुमसे तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त को दूर ले जा रहा है। मेरा यकीन करो, शादी हो जाने के बाद बस सानी, बस तुम्हें तो वाकई सब कुछ पता है, तुम तो वाकई मेरे दिल का हाल जानती हो। खुशी से विदा करो प्लीज। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती हूं, और मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। इस शायद के वहम में उम्र तमाम कर बैठे, जो नहीं करने थे वो काम भी कर बैठे। जहां तुम थे वहां अब खाक है, शायद कभी तुम लौट आओ। इस आस में जीता रहता हूं, शायद कभी तुम सुन ही लो जो बात सुनानी है दिल की, शायद बेशुरू शायद पे खत्म, इतनी सी कहानी है दिल की। अली जी, ये जो काम हो रहा है ना जी, जी देख लेना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान हो, मैं सब देख लूंगा। रिजवान भाई, पूरे 8 बजे लाहौर से पहुंच जाएगी रौनक, आप कहते हैं तो कल का प्रोग्राम भी रखवा लूं। अरे क्या हो गया है तुम्हें, आज तो माई हो, हमारे खानदान के लोग होंगे, जो जी में आए करो। कल मेहंदी पे सालार की तरफ से भी हैं, वो क्या कहेंगे कि चचा ससुर और मामू ससुर इतने रंगीन मिजाज,
ठीक है, फिर कल कवाली पे गुजारा कर लेते। हाँ बेटा जी, मैं काम से जा रहा हूँ तो ये अच्छी तरह देख लेना सारे काम। यार वो म्यूजिक अरेंज करवाया कि नहीं? वो काम तो साथ को सौंपा था। अरे साथ के जिम्मे कोई काम मत छोड़ो बेटा, वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। और उसे कहना कि जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया है वो जरूर करे। जाओ जाओ जाओ, चला जाओ जाओ अभी जाओ। बेवकूफ हो तुम, बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। अरे सलमा सलमा किधर रह गई है तू? एक ही काम कहा था ऑप्टन खोल दो, वो भी नहीं खोला था उनसे। मेरी रात सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल चुका, सारे काम बेचारा अली भागा भागा तक का फिर। अरे भाभी साथ है काम पर। तेरे नाले जिंदगी दी वो से दी बाहर वे, तेरे नाले जिंदगी दी वो से दी बाहर वे, तू यू चन्ना सुख मेरा तू यू चन्ना प्यार वे, तू यू चन्ना सुख मेरा तू यू चन्ना प्यार वे। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं होता है कि मैं बार बार फोन करूं, और अगर कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि कोई जरूरी काम है। क्यों नहीं उठाया फोन तुमने? सलार वो मैं बिजी थी थोड़ा सारी रात। अच्छा, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं थोड़ा अपसेट हूँ। आज के बाद इग्नोर करने की कोशिश मत करना, नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। तबीयत ठीक नहीं है, आप कमरे में आराम करें। ये तुम मुझ बूढ़े बीमार को छोड़कर यहाँ मौज मेला कर रहे हो? चलो आगे लेकर चलो। हाँ जी, साउंड सिस्टम ठीक चल रहा है? अरे एकदम ओके। चल फिर, छुट्टी है तेरी। क्या? मैं संभाल लूंगा, निकल। चल हेडफोन दे। अरे सलमा चीज़ है तो लाहौल वाला हुआ था। यार ने मारा, मैंने तो नहीं बोला। रिस्वान आप अली जाओ अंदर। क्या ये आई मेरी तो
क्या हुआ? कितने कपड़े हरे फिसते आ गए दादाजी। ये शहर जा रहे देखे आप? देखे शहर दादा को मार दो, उधर बच्ची की रुख्सती, इधर कुल बिल्कुल नवी गल हो जाएगी। नहीं नहीं, बड़े दादा के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकता है तू? टूक के मर जा साथ, चल। मैंने कहा था ना, तुम्हारा कोई काम मेरे बगैर नहीं हो सकता। साथ ये तो टूट गई, अब मेरी मुराद कैसे पूरी होगी? कोई बात, एक टूटी दूसरी तो पहन, समझो आधी मुराद पूरी। कुछ मिलेगा कुछ नहीं। मैं जानती हूँ साथ, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, मैं इस घर से दूर जाऊँ। यकीन करो सलार की मेरी जिंदगी में आ जाने से तुम वही रहोगे। कोई खास दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? दुश्मनी मोहब्बत? तुम खामोश मत, तुम्हारे बालों की खुशबू हमेशा मेरी आंखों में नींद ले आती है। मुझे खुशी से विदा करो, तुम्हें बताए ना मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। और जाओगी भी, इसलिए मंगवाई थी ये चूड़ी। उतारो इसको। क्या कर रहे हो? साथ छोड़ो मेरा हाथ। पहले इस दीवार पे अपना और तुम्हारा नाम तो लिख लो। इस दीवार के हर कोने कोने पे हमारा नाम लिखा है, और अब से नहीं कई सालों से। कितनी अजीब बात है, जब शादी के बाद आके इसको देखेंगे कैसा लगेगा। ये मत सोचो हमें कैसा लगेगा, सोचो मेरे शोहर को कैसा लगेगा। चल,
जी मैंने नहीं बचना, अब दवाइयों के पैसे बचाओ। उधर दे उधर। अब्बा जी चिट्टे कपड़े पा के तो फरिश्ता साथ ले के आ गए हैं मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। पर दादाजी दरवाजे पे तो कोई नहीं। भाई ओट में खड़े हैं। चाचा जी फरिश्ते तो अकेले आते हैं, आपको पलेखा लगा होगा, गौर नाल वेखे दो होंगे। क्या हो गया आपको? भाई जान दादाजी बुजुर्ग हैं, इनको पता चलता है, हमें भला क्या खाक पता चलेगा। वैसे ना मैंने सुना है कि जिसका वक्त पूरा हो जाता है ना, मौत के फरिश्ते उसी को दिखाई देते हैं। क्या कह रही हो तुम? नहीं दादाजी आप बिल्कुल ठीक हैं। सुना नहीं था आपने, डॉक्टर कह रहा था कि हार्ट अटैक नहीं हुआ, गेस्ट है, भले आप ठीक हो जाएंगे। दादाजी अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम रात को गए थे डॉक्टर को लेने, अब आ रहे हो, क्या मरीख में गए थे? और तुम्हारा फोन भी बंद था। दरअसल गाड़ी खराब हो गई थी और फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। फोन की बैटरी डेड हो गई थी, ये तो खुदा का शुक्र है कि अली मौजूद था, वो भाग कर गया डॉक्टर को लेकर आया, अब वही छोड़ने गया डॉक्टर को। दादाजी चले जाते ना तो शादी खूब खाते में पड़ जाती। क्या हो गया खाला आपको? अल्लाह हमारे दादाजी को लंबी उम्र दे। कितनी लंबी? छोड़ा है डॉक्टर। हाय हाय ये साथ मेरे पोतरे को कहाँ ले गया है? खाला जान लगता है अकेले में उसका शुक्रिया अदा करने गया है, बड़े दादाजी से बहुत प्यार करता है ना। हुआ क्या है यार, बोल तो सही। बहुत जल्दी होती है हर बात की तुझे, बहुत शौक है नंबर बनाने का। कॉलर तो छोड़ यार, पागल हो गया है। हाँ दादाजी रिजवान भाई ये भी कह रहे थे कि हानी की शादी के बाद आपको हज पे भी लेके जाएंगे। दादाजी तबीयत ठीक है ना आपकी? मैं बता चुका हूँ मैंने नहीं बचना। जा यार तेरे ही दादा है, तू ही नंबर भरा। एमी एक तो काम करो, ऊपर से शादी वाले घर में बातें भी सुनो। रजवान जी वो मुजरे वाली चली गई, मैंने तो रौनक मेला देखा ही नहीं। लो तुसी करा लो हज। मुझे लगता है दादाजी को वो जो कोने में खड़ा कुछ दिखाई दे रहा था ना, वो ही है। दादाजी चले जाते ना तो शादी खूब खाते में पड़ जाती। दादाजी कुछ बच्ची है, बच्ची ऐसे कह रही। उधर बच्ची की रुख्सती, इधर कुल बिल्कुल नवी गल हो जाए।